सरकार ने खोला पिटारा, 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट किया पेश, पावर कॉरपोरेशन को 10 अरब रुपए आवंटित किए। सपा बसपा में गठबंधन का ऐलान, चाचा से मिलने घर पहुंचे अखिलेश, चुनाव पर हुई थी चर्चा। गोंडा में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी ना होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। देशव्यापी हड़ताल पर बैंक कर्मचारी, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सड़कों पर उतर कर किया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में आज बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। जी हां, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में गठबंधन तय हो गया है। दोनों ही मुलाकात करने के लिए एक जगह पर पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें, साथ अब चाचा भतीजे आ गए हैं। शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और एसपी और सभी अन्य सहयोगी ऐतिहासिक जीत की ओर, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है। साथ ही साइकिल पर सवार हुए चाचा शिवपाल। तो अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जोरों पर है और इसी कड़ी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिले। अखिलेश ने शिवपाल यादव से मुलाकात उनके घर पर जाकर की और इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच गठबंधन करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि अब सपा और प्रसपा में गठबंधन तय हो गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 25 दिसंबर से पहले ऐलान इसका कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो लड़ाई थी एक चाचा भतीजे में, वो अब खत्म होती नजर आ रही है। तो लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, सपा प्रसपा में गठबंधन तय हो चुका है, ऐलान कब तक माना जाए इसका होगा? पारुल, देखिए सबसे पहले बता दूं कि वक्त का इंतजार काफी समय से शिवपाल यादव कर रहे थे। आज वो दिन था, अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। लगभग 5 साल पहले विवाद के चलते पार्टी से अलग हुए थे शिवपाल यादव, और 2017 के बाद आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ये काफी देर तक की मुलाकात मानी गई है। और खासतौर से चुनाव को देखते हुए पूरे समीकरण पे गठबंधन की जो नीति है वो बनाई गई, क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जो मुलाकात हुई है वो गठबंधन की बात तय हुई है और क्षेत्र दलीय जो है उनके साथ लेने की, जो सपा के जो निरंतर मजबूती का काम करने की हर एक विषय पे बातचीत की गई है। तो कहा यह जा सकता है परुण की अब शिवपाल यादव की मंशा थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई प्रेसवार्ता करी थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि चाचा और भतीजे में मतभेद नहीं है, मतभेद जरूर हुआ है। तो ऐसे में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का मिलना, यानी कि अब इंतजार की जो समय था वो खत्म हो गया है और कुछ समय के बाद अब बताया ही जा रहा है कि जाएंगे और उसके बाद बता दिया जाएगा किन किन सीटों पे कितना प्रसपा और सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज ये जो मुलाकात हुई है वो निश्चित तौर पे एक गठबंधन को लेकर जरूर हुई है और ये खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया है। बिल्कुल रूबी, और देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बताया कि गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, वहीं शिवपाल यादव की तरफ से भी ट्वीट अप कर दिया गया है। दोनों ही नेताओं ने बता दिया है कि गठबंधन को लेकर चर्चा हो गई, लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो सीटों पर क्या अभी सहमति इन दोनों के बीच में बनी है, इस बारे में कोई जानकारी अभी? देखिए अभी इस बारे में कहीं से कहीं कोई भी पार्टी से या फिर ये बात करते हैं शिवपाल यादव की प्रसपा की तरफ से कहीं से कोई भी प्रेस नोट भी नहीं जारी किया गया, ना ही कोई बाइट उस पर हुई है, ना ही कोई बीसी की गई है। हाँ, ये जरूर आज इतना जरूर बता दिया गया ट्वीट करके कि आज जो ये बैठक हुई है उसके दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो एक गठबंधन को लेकर जरूर हुई है। लेकिन समय अभी थोड़ा सा 25 के बाद देखना पड़ेगा कि अब किन किन सीटों पर, यानी कि आपसी मतभेद के साथ जो पहले से हो चुका था अब वो चीजों को भुलाकर अब एक नए तरीके से रणनीति तैयार करके सीटों का बंटवारा किया जाएगा
और निश्चित तौर पर हो भी गया होगा, लेकिन अभी ऐलान नहीं किया गया है। अब इंतजार से इसी बात का है, यानी कि 25 दिसंबर के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अपनी सीटों को लेकर किस तरीके से ऐलान करते हैं। बिल्कुल रूबी, ऐलान तो वो 25 दिसंबर के आसपास ही उसके बाद कर देंगे, लेकिन देखिए एक बड़ी सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब शिवपाल यादव भी साथ अखिलेश के आ गए हैं, आरएलडी से पहले ही गठबंधन हो चुका है और छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी सब साथ आए, यानी कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की सपा ने पूरी रणनीति बना ली है। बिल्कुल पारुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले भी कई बार ऐसा मौका जरूर मिला है, अखिलेश यादव ने पहले भी कई बार ऐसे प्रेसवार्ता के दरमियान सवाल जब पूछे गए हैं तो वक्त बताएगा समय आने दीजिए ऐसे बातों से कतराते हुए जरूर नजर आते थे। वही शिवपाल यादव जब भी पीसी करते थे तो उनका एक ही सवाल होता था कि इंतजार है, अगर बुलाया जाएगा तो बिल्कुल जाऊंगा, स्वागत किया जाएगा बिल्कुल जाऊंगा इस पार्टी में, यानी कि हमारी भाई की पार्टी यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, और वो दिन आगे का दिन था। लेकिन छोटे छोटे जो दलों की एक पूरी गुट तैयार कर रखी थी शिवपाल यादव की, अगर हम पार्टी की बात करते हैं प्रसपा पार्टी की, तो वो फायदा जरूर अखिलेश यादव को मिलेगा। हाल ही में सुहेल देव पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उन्होंने किया था, फिर निषाद जो है वो पार्टी ने ज्वाइन किया, लेकिन छोटे छोटे जो दल मिलेंगे निश्चित तौर पर फायदा जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं भाजपा और सपा की जो फाइट होगी वो देखने लायक होगी। चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि सपा प्रसपा का गठबंधन तय मारा जा रहा है, तो सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी बहुत 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 आभार आपका। अभिषेक जी मुबारक हो सबसे पहले आपको। नहीं मुबारक तो आपको भी होना चाहिए जी, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मुबारकबाद किस चीज की दे रही है ये तो बताइए। गठबंधन तय हो गया है, अब भी मुबारकबाद नहीं देंगे क्या? नहीं देखिए कुछ लोग समझ रहे थे कि हम अलग हैं जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी अलग हैं और आदरणीय शिवपाल यादव जी अलग हैं जी। लेकिन आज उनके प्रश्नों पर उनको जवाब भी प्राप्त हो गया होगा, क्योंकि दोनों परिवार और दोनों लोग कभी अलग नहीं रहे जी। आपने सुना होगा कि जिस्म से जा निकल सकती है लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अलग नहीं होते, सेम परिवार इस तरीके से हम हमेशा एक थे और एक रहेंगे। वो लोग कुछ लोग ऐसे चर्चाएं मार्केट में फैला करके रखे हुए थे कि सब लोग अलग अलग हैं और आदरणीय शिवपाल जी भी अलग रास्ते पर चल पड़े और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी अलग रास्ते पर चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम समाजवादी लोग हैं। नहीं जो फिर मतभेद था और जो मतभेद दिखता भी था फिर वो क्या था अगर अलग नहीं थे तो? देखिए अलग अलग हम कभी नहीं थे, कभी आप ये भी अच्छे से जानते हैं जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वहाँ पे खटपट थोड़ी बहुत होती है जी। और हम लोगों में कभी भी आदरणीय अखिलेश यादव जी में और आदरणीय आपके शिवपाल जी में कभी भी हम लोग अलग अलग नहीं रहे। हमें हम लोगों का ही मनता ही सिर्फ यही है कि समाज को लेकर के आगे बढ़ना है, प्रदेश को अग्रसर करना है और देश को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है बहुत मायनों में अहम भूमिका अपना निभाता है, उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है जी। लेकिन ठीक है अभिषेक जी, आज जो तस्वीर सामने आई है अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव की, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी कह रही है कि चाचा और भतीजे साथ मिलकर क्या कर लेंगे? देखिए आपको इस बात की जानकारी है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था जी, और श्री रामचंद्र जी ने ही उनका अंत किया था और अंत के पायदान पे पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जैसा कि आपने बनारस में देखा। डुबकी लगाने से ही अगर हर आदमी संत हो जाता तो हर कोई राम नाम जपता रहता, लेकिन आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि उनका अंत कभी नहीं होगा तो हर किसी का अंत होता है। जनता जनार्दन है, जनता ने इनको जब बहुमत दिया था तो इस बात के लिए बहुमत दिया था कि वो जनता के लिए काम करेंगे, महंगाई को भी कंट्रोल में करेंगे, महिला सुरक्षा भी करेंगे, अपराध को जड़ से मिटाएंगे और बेरोजगारी भी दूर करेंगे, पत्रकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी कभी नहीं लगने देंगे, हर एक पैमाने पे अगर आप देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार हर जगह पे फेल नजर आई हुई है, आप चाहे पत्रकारों के ऊपर हमले को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो,
चाहे बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज करने को लेकर के हो, चाहे किसानों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर, हर एक जगह पे भारतीय जनता पार्टी फेल नजर आई है और समाजवादी पार्टी ने सड़क से सदन तक बड़ी मजबूती से इस सरकार को घेरने का काम किया है और जनता की आवाज़। ठीक है अभिषेक जी, वो तो देख लेंगे कि 2022 में जनता किसे अपना प्यार देती है और जनता का क्या रुख रहने वाला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में लगातार आपको बता रहे हैं कि सपा और प्रसपा में अब गठबंधन तय हो गया है और मेरे साथ डिप्टी एडिटर कावेंद्र चौहान भी जुड़ चुके हैं। कावेंद्र, आज एक बहुत बड़ी सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, जो लड़ाई सालों से चली आ रही थी आज उसका अंत हो गया है, सपा और प्रसपा में गठबंधन तय। जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दूं कि ये लड़ाई उसी वक्त से अटकलों का बाजार समझने से गर्म हो गया था, 2017 के बाद जो ये लड़ाई शुरू हुई, लेकिन चुनावी संक्रांत जैसे ही उत्तर प्रदेश में होता है हर रोज एक ही बात थी पारुल कि क्या चाचा भतीजा साथ आएंगे, हर तरफ यही बात थी। जब पूछा गया, जब चाचा से पूछा गया तो चाचा ने खुलकर कहा कि हम तो भैया भतीजे के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जब भतीजे से पूछा जाता रहा तो भतीजे ने कहा कि हम सम्मान करते हैं, साथ पर कभी जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा हम सम्मान करते हैं, लेकिन चाचा हर बार कहते रहे कि हम साथ जाने को राजी हैं। और इस लड़ाई को अगर हम देखेंगे तो ये 2017 से नहीं बल्कि ये 2012 से लड़ाई चली आ रही है। जब 2012 में पारुल ये सरकार बनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, तब ये कहा गया था कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, कि मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से साइडलाइन किया गया शिवपाल सिंह यादव को और मुख्यमंत्री बनाया गया अखिलेश यादव, तभी कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो थी शुरू हो गई थी। विधायक दल की जब बैठकें होती थी उससे शिवपाल सिंह नदारद रहते थे, बाहर रहते थे, तभी से ये मन की टीस जो थी खुलकर निकलकर सामने आई 2017 के चुनावों से पहले। और इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला 2017 के चुनावों में, तो वही घाटा दोबारा ना उठाना पड़े उसी को देखते हुए अखिलेश यादव साथ तो आ गए हैं, लेकिन मन से कितनी साथ आए हैं ये देखना बहुत अहम होता है। बिल्कुल कावेंद्र, देखिए सही बात आपने बोली कि साथ तो आ गए, मन से कितने साथ हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी हमारे साथ सपा से प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे अभिषेक जी, तो वो ये कह रहे थे कि लड़ाई तो थी नहीं, जो लोग कहते हैं कि लड़ाई थी, मतभेद थे, वो तो थे ही नहीं, हम तो हमेशा से ही एक साथ है। सपा के प्रवक्ता हो या कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, सभी ने वो तस्वीरें देखी जब 2017 में किस तरीके से चाचा और भतीजे की जो लड़ाई थी वो मंच पर आ गई थी और सार्वजनिक हो गई थी। एक तरफ चाचा कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री है, मतलब उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो झूठ बोल रहे हैं, और वही भतीजे कहते थे कि नहीं, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से। तो लड़ाई तो सार्वजनिक थी, हर किसी ने वो लड़ाई देखी, और लड़ाई आपको बता दो कि 2022 होने को है, लेकिन परिवार में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कहीं भी चाचा और भतीजे को साथ नहीं देखा गया। चाचा पहले आते हैं तो भतीजा बाद में आता है, भतीजा पहले आता है तो चाचा बाद में आता है। तो लड़ाई तो है, लेकिन चुनावों में इसका घाटा ना हो, इसलिए राजनीति के धुरंधरों की आप बात करेंगे या उनको सुनेंगे तो सीधे तौर पर ये बात साफ करते हैं कि चाचा भतीजा दरअसल सिर्फ राजनीतिक समीकरणों को समझते हुए साथ आए हैं, क्योंकि समाजवादी जो लोग हैं, जिनके कार्यकर्ता है, उनके दरअसल बीच में काफी कंफ्यूजन है, उनको समझ नहीं आ रहा कि किसके रथ पर सवार होना है। एक तरफ परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव, दूसरी तरफ रथ यात्रा निकाल रहे हैं आपके शिवपाल सिंह यादव, तो समाजवादियों को समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ जाएं। जो यादव कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं जसवंत नगर सीट जो इटावा की है उसके आसपास जितने क्षेत्र पड़ते हैं, मैनपुरी की बात करें, इटावा की बात करें, एटा की बात करें, वहां पर अभी भी दबदबा बरकरार है शिवपाल सिंह यादव का, फिरोजाबाद। बिल्कुल 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 कावेंद्र, कावेंद्र आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, दोबारा से आपके पास आऊंगी मैं। हमारे एडिटर इन चीफ हरीश असवाल सर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, जिस तरह से अब सपा और प्रसपा का गठबंधन तय हो गया है, तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है? जी, तैयारी गठबंधन किस क्षेत्र में हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन इन लोगों के अपने अंदरूनी मामलों को सुलझाने के लिए गठबंधन है या जनता के लिए गठबंधन है? गठबंधन का नियम समझ नहीं आया अभी इनके। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अब कह रहे हैं, ये यहाँ पर सपा की बात की जाए तो सपा कह रही है कि लड़ाई जो थी वो तो कभी थी नहीं, आपस में तो बर्तन कभी ना कभी खटखटाते ही हैं, लेकिन साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरह से बयान हमेशा पारुल हमेशा ये देखा गया है, पिछली बार भी देखा गया कि सपा बसपा दोनों एक हुए थे, भगवा दोनों इकट्ठे हो गए थे, कहा था कि हमारे बीच में तो कोई बात ही नहीं है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए वोहर ने कह दिया भैया हमारे इनसे विचार नहीं मिलते, हमारी तो सीटें अलग हैं और हम इनसे अलग हैं। ये कुल मिला के कहीं ना कहीं पे जनता के साथ धोखा ही होता है हर प्रकार के गठबंधनों से। मैं तो बिल्कुल सरल रूप से कहूंगा, गठबंधन को ना देखें,
जनता को अपना विकास देखना चाहिए, जहां पर जनता के विकास की जो बात करे, जो पार्टी बात करे, उनके साथ जाना चाहिए। इनके गठबंधन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जो जनता के लिए काम करे उसी को वोट देना चाहिए। बिल्कुल, रोजगार पे बात होनी चाहिए, पर बात होती है इनके गठबंधन पे। गठबंधन बड़ी जागरूक है। चलिए ठीक है, शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कावेंद्र भी लगातार यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं। कावेंद्र, तो देखा जिस तरह से आपने हमारे डिप्टी माफ कीजिएगा एडिटर इन चीफ भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो साफ तौर पर अब जो है ये बड़ी सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में आज देखी गई है, तो कितना असर इसका बीजेपी पर पड़ेगा, आप क्या कहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल एडिटर इन चीफ साहब ने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि ये राजनीति में नेता ने अपने आप तो गठबंधन कर लिया है, खुद तो साथ आ गए हैं, लेकिन जनता के हित के लिए साथ आए हैं या फिर खुद के हितों के लिए साथ आए हैं, ये भी जनता को समझना बहुत अहम हो जाता है। यहाँ पर सीधे तौर पर ये बात साफ है कि वोटर जो है वो कहीं छिटक ना जाए, आपस में बट ना जाए, इसको देखते हुए, क्योंकि समीकरण लगातार साधने की लगातार कोशिश हो रही थी, समझा जा रहा था, वोटरों को समझा जा रहा था कि वोटर कौन है, और कोर वोटर आज भी समाजवादी पार्टी का या फिर प्रसपा की बात क्यों ना कर ले, क्योंकि वो कल तक वो भी समाजवादी थे, तो इनका जो कोर वोटर है वो यादव ही है। इन क्षेत्रों में इनका दबदबा अभी भी बरकरार है, प्रसपा अलग हो जाने के बावजूद। तो ऐसे में ये बहुत अहम था कि कहीं प्रसपा घाटा ना दे दे, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद की सीट पर हुआ था। तो और दूसरा तरफ ये भी था कि अगर शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी के साथ गठन नहीं हुआ तो शिवपाल चाचा कहीं नाराज होकर सपा के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट हर जगह ना उतार दे, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वोट जो है काटने का काम करते शिवपाल सिंह यादव। बिल्कुल बिल्कुल कावेंद्र, वोट काटने का काम तो करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह पहले भी आपने बताया कि 2017 में जिस तरह से लड़ाई साफ तौर पर सामने आ गई थी, तो ऐसे में हो सकता है कि देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर दोनों के बीच में सहमति बनी है, तो जब गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा तब पता चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी क्या ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर भी कहीं बात अटक सकती है? पारुल, एक चीज तो साफ होनी चाहिए कि सीटों की तो बात कभी थी ही नहीं। जैसे आरएलडी के साथ जब गठबंधन हुआ या ओपी राजभर साहब के साथ जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का, वहां पर सीटों पर भी बात होती है, वहां पर सीटों की भी लड़ाई है, लेकिन यहां पर लड़ाई है राजनीतिक भविष्य तलाशने की। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव अलग तो हुए थे, प्रसपा अलग तो हुई, लेकिन उनका कुछ अच्छा कमाल नहीं करके दिखा सकी वो। तो ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव सपा में नहीं जाते तो उनकी आगे की राजनीति क्या हो सकती थी, भविष्य क्या हो सकता था, फिर मैं छोटी पार्टी बनकर रह जाते। और शिवपाल सिंह यादव से जहां तक सीटों की बात रही, तो 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि हमको अपने साथ लीजिए, सीटें मत दीजिए, उन्होंने सीट नहीं मांगते कभी भी वो। और अभी भी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी शिवपाल सिंह यादव ने साफ किया है कि हमको अपने साथ लीजिए, सीटें आप तय कीजिए कि आपको कौन सी सीट देनी है, किसको देनी है। क्योंकि पारुल यहां पर दरअसल बात यह है कि ये है सब एक ही, जो प्रसपा के लोग हैं वो कल तक समाजवादी ही लोग थे। जी बिल्कुल कावेंद्र, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा से आपका रुख करूंगी। यहाँ पर प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, अब ये खत्म कलेश हो गया है, अखिलेश और शिवपाल के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कावेंद्र आपका रुख करूंगी मैं दोबारा से, तो अब ये लड़ाई जो खत्म हो गई है कावेंद्र, आज जो तस्वीरें देखे लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अभी देखिए मुलायम सिंह का भी जन्मदिन था कुछ दिन पहले पिछले महीने, तब कयास लगाए जा रहे थे कि मंच पर एक साथ अखिलेश यादव भी आएंगे, शिवपाल यादव भी साथ आएंगे, लेकिन उस दिन भी दिन भर इंतजार करते रह गए, लेकिन वो तस्वीर देखने के लिए नहीं मिली जो तस्वीर आज हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल, बीते 22 नवंबर को ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जब नेताजी का जन्मदिन होगा, मतलब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो जन्मदिन होगा उस दिन शायद ऐसा हो सकता है कि चाचा भतीजा को मंच पर बुलाकर दोनों का एक ऑफिशियल रूप से गठबंधन की बात कर दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस दिन हुआ क्या कि लखनऊ से अखिलेश यादव वहां पर तैनात रहे और यहाँ इटावा में शिवपाल सिंह यादव के काटते हुए नजर आए, तो वहां पर जो अटकलें लगी थी, जो कयास लगा था वो हो नहीं सका। लेकिन हालांकि उस दिन अगर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि ये एक तरीके से उनका खुद का कार्यक्रम है, इसको किसी बड़े कार्यक्रम से, राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़कर ना देखा जाए। और उन्होंने कहा था कि जल्द ही चुनाव से पहले पहले हम लोग साथ जरूर आएंगे, कुछ बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था सम्मान पूरा है, चाचा जब चाहे तब आ जाए, लेकिन ऑफिशियल रूप से कोई बात नहीं हुई थी। तो राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो वो लगातार कह रहे थे कि आएंगे जरूर,
साथ तो जरूर आएंगे लेकिन देर सवेर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो देर सवेर वाला दिन कावेंद्र आज आ चुका है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया और शिवपाल यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए पिटारा खोल दिया है। सरकार ने गुरुवार को 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों और 2022-23 के आय व्यायक और को सदन में के पटल पर रखा। इस दौरान खन्ना ने 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान भी प्रस्तुत किया। तो ऐसे में आज योगी सरकार ने पिटारा खोल दिया है और चुनाव से पहले ये बजट आखिरी था। और साथ ही आपको चलिए ये बता देते हैं कि अनुपूरक बजट में किसे क्या मिला है। तो इस बजट में किसे क्या मिला है ये बता रहे हैं। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब आवंटित किए गए हैं। हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। किसान और पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सूचना विभाग को 150 करोड़ दिए गए हैं। यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कहा गया है जहाँ कहा गया है कि संस्कृति है आपके बारे में 262 पर हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है कॉन्स्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उसको समय उसने उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न में पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। आपको प्रश्न में पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूँ भाई। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते अच्छा है माने सबसे। आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पर आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना चाहिए। नौ ये क्रिमिनल है और इसको क्यूसी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 गोंडा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कटरा विधानसभा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कई मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस ज्ञापन में जनपद में गौशाला में फर्जी करोड़ रुपए की बंदरबाट, गौशाला केंद्र पर मर रही गाय, यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी समेत कई मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सपा नेताओं की ओर से जिला प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। ये हमारे कटरा के पूर्व विधायक बैद्यनाथ दुबे जी के तरफ से पहले ज्ञाप जो है एक नोटिस दी गई थी। खाद की भारी किल्लत जो इस समय है, बुआई का समय निकला जा रहा है, धान का खरीद नहीं हो रही है, फर्जी धान का जो है आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि गोंडा जनपद बहुत आगे चल रहा है खरीद में, जबकि किसान औने पौने रेट में बिचौलियों के द्वारा मंडियों में बेचने मजबूर हैं। और गौशाला की ये स्थिति है कि गाय वहाँ नहीं है, भुगतान फर्जी हो रहा है, सड़कों पे घूम रही हैं। इस समय परिवहन से अधिक
जो दुर्घटनाएं हैं वो गायों की वजह से हो रही हैं। जो बैला पशु, जो आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की जान खतरे में है। कोई न्याय पंचायत गांव नहीं बचा है जिस गांव में सांड के मारने से, आवारा पशु मारने से या दुर्घटना से कोई व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। ये दशा है पूरे ज़िले में जो है। उसके बाद जो है अभी बूथों को लेकर के हम लोगों की जब मीटिंग होती है तो बताया जाता है कि ये बूथ हैं। उसके बाद जब हम लोग नेट से निकालते हैं तो पता चलता है कि उस गांव का जो है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी से संबंधित वोट हैं, जहाँ पर जो है ये जानते हैं कि हमको वोट कम मिलेगा, वहाँ का जो बूथ जो है हटा करके पोलिंग दूसरे गांव में कर रहे हैं, दूरी कर रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट न पड़ सके। 15 दिसंबर तक जो है लोगों की खेती बो जानी चाहिए, बल्कि सिंचाई प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन डाई खाद न मिलने के कारण बुआई नहीं हो पाई है और एक छटाक यूरिया फिर जिले में कहीं नहीं है। जो लोग बोए हैं, सींचे हैं, उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। जो लोग अभी नहीं बोए हैं उनको डाई नहीं मिल पा रही है, तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत है। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए थे और इसी के साथ जो है धान क्रय केंद्र पर खाली बैनर लगा है, लेकिन वहाँ पर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है कि धान जो है किसान बेच सकें। इसलिए 1100 रुपये में धान बेच करके और लोग बिचौलियों को दे करके चले जाते हैं, जबकि MSP का रेट 1865 है, धान का रेट 1865 किसानों को मिलना चाहिए। सारे नलकूप खराब हैं, पूरे जनपद के नलकूप खराब हैं। यदि उनको लिखा पढ़ी की जाती है तो वो बिजली विभाग को कहते हैं कि उनकी फॉल्ट है, बिजली विभाग वाले कहते हैं मोटर गड़बड़ है, कहीं नाली नहीं है, तो सिंचाई कैसे हो पाएगी? पहले तो ये नहीं मिल रही खाद और फिर सिंचाई भी नहीं हो पाएगी। आवारा पशु जगह जगह जो है लोगों को मार रहे हैं और वहाँ जो गौ आश्रय केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर भूसा है नहीं। हाथरस में एक निर्माणधीन मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर 5 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। खबरों की माने तो बच्चा खाली प्लॉट में खेल रहा था, वहीं इसी दौरान यह हादसा हो गया। आनन-फानन में मासूम बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले को लेकर बच्चे के परिजनों ने निर्माणधीन मकान मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। लखनऊ में बदमाश बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पहाड़पुर गांव में कुछ बदमाशों ने हथियारों के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र से 70,000 की लूट की। वहीं इस लूट को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।